बच्चा है तुम्हारा, जब आप घर से निकलो हेलमेट आपका डीएल आरसी इंश्योरेंस पोल्यूशन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप कहते हो जी सब कुछ है, मैं कहता हूँ दिखाइए, आप कहते हो जी घर से मंगा दो, ये तरीका तो अच्छा नहीं है ना। वो तो मैं यार हमारे कर्ज शुक्रिया आप लोगों को समझा, आपकी भी तो फर्ज बनता है कि सिटीजन के साथ अच्छे से बर्ताव करें। सर आपका वहाँ पे एक लादमी वहाँ खड़ा हो गया, सर मेरे को ऐसे धक्के दे के ऐसे कह रहा है कि मारूंगा साले के, ये ऐसे ऐसे कह रहा है सर, मेरे पास ऐसे कह रहा है सर वहाँ खड़ा हो गए। आप तो मुझे ब्लेम लगाइए सर, ब्लेम नहीं, अभी भी सर अभी भी यहाँ पे खड़ा हो गए, देखा होगा आपने सर, एक मिनट घूमता हूँ तेरे को बताता हूँ, ऐसे करके सर बता रहे हैं ऐसे करके सर। ये मुलाजिम इधर आइए इधर आइए, आपने मेरे पास आए सर, मैं आपके पास आया हूँ ना, आप तो मेरे पास ही आए। नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये आप बच्चे हो, आपको समझाना, आपकी सेफ्टी करना मेरा काम। मेरे को सर अभी भी घुड़ियाँ बट रहा है सर, ये मेरे को ऐसे जैसे सर अभी मारे मेरा सामने ऐसा बोले सर, मैंने देखा है, लेकिन मास्क ऊपर रखो आप यार, पब्लिक में खड़े हो, आप भी बीमार हो सकते हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, हम आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े, आपके नुकसान के लिए नहीं, कोई बात नहीं भैया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो सर, चलान तो मैं वैसे ही भर देता सर आपका, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार मेरी भाषा सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका नुकसान क्या नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपके पेरेंट्स ने भी समझाया होगा, तो क्यों नहीं कागज रखते आप लोग, रोजाना मेरा ख्याल है एक आध दिन जाता हूँ मैं, जिस दिन ना समझाता बच्चों को, वो भी जिस दिन बारिश वगैरह या कोई ड्यूटीज वगैरह पड़ जाए, नहीं मैं रोजाना आप जैसे बच्चों को यही समझाता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट अपना हेलमेट, बाई चांस कोई जानवर आ जाए, कोई डॉगी आ जाए, कोई पागल आदमी आ जाए, गिर गए तो सिर बच गया तो आप सारे बच गए, अगर सिर लग गया तो कोई चांस नहीं बचने देख रहे। सर आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उस मुलाजिम को आगे बुलाएं और पूछें सर क्या कहा है उसने, एक बारी सर बुलाइए उनको, बुलाइए मैं उसको तो जब बुलाऊंगा जब आपके पास कोई प्रूफ हो इस बात का कि भाई आप कागज तो एक दे रहे हैं, कमियां उसमें निकाल रहे हैं। नहीं नहीं सर, कमियां बेटे ड्यूटी है कागज चेक करने की। सर मैं कमियां मांग रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ सर, मेरी कमियां हैं बिल्कुल मान रहा हूँ सर, लेकिन सर ऐसे क्या जुड़ता सर, ऐसे पकड़ रहा है मेरे को सर ऐसे, और अभी सर यहाँ पे आके मेरे को धमकियां दे रहा है सर कि तेरे को तो मैं बताऊंगा मेरे सामने नहीं पकड़े यार, मैं लगा रहा लगातार सवेरे घर से निकलते ही लगा लेता हूँ, अरे घर ही जाकर सर आपने भी तो मेरे साथ प्यार से बात करी है सर, मैं आपसे प्यार से बात करे बच्चे दुश्मन तो बिल्कुल सर वही तो बात है ना सर, दुश्मन नहीं है ना हम आपके, लेकिन सर वो ऐसे बात करे हैं जैसे सर कहाँ कर दिया, मैं खड़े हूँ अब तू उसमें ब्लेम पे ब्लेम लगा, तो अपनी कमी छुपा रहा है सर, कागज तो मैं तो अभी कह रहा हूँ सर, मेरे पास कागज नहीं थे, कोई कागज नहीं थे सर मेरे पास, मैं कह रहा हूँ मैं अपनी कमी सर मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ सर, ये लो सर मैं मास्क कराम कर दूंगा, लेकिन मास्क की बुक मेरे साथ लो सर, ये लो बीमारी अभी पूरी तरह से गई नहीं है जी सर, मास्क में आपकी सेफ्टी है, जो जानकारी को छोटा मोटा कहते हैं ना बंद हो जाए अगर कागज सारे रखा कर, एक व्हाइट टी शर्ट वाला था उसको छोड़ दिया, एक ये कर रहा था ना इस व्हाइट टी शर्ट वाला उसको छोड़ दिया, वहाँ भी गई और हम दुआई लेना चाहिए देख स्पेशल गुड़िया की और मारा फिर भी चलान गया। कितने कितने बंदों का छोड़ा? हम दो जने को। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे रोड से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल ट्रैफिक पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है, ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, उन लोगों को रोकने का काम किया जा रहा है जो लोग बिना मास्क और बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाते हैं, दो पहिया वाहन चलाते हैं, और फिर उसके बाद जो है
चालान किया जाएगा। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के रेलवे रोड की, इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से लगातार पिछले कई दिनों से करनाल ट्रैफिक पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल के माध्यम से तमाम व्यूवर्स को अपील करना चाहेंगे कि जब भी वो दो पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो सिर पर हेलमेट और मास्क चेहरे पर जरूर लगा होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका चालान कर दिया जाएगा। और विशेष तौर से उन गाड़ियों की चेकिंग हो रही है जिन गाड़ियों में मॉडिफिकेशन की जाती है, यानी कि साइलेंसर बदला जाता है, हॉर्न बदला जाता है और भी अन्य जो मॉडिफिकेशन है वो की जाती है, उन गाड़ियों को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साफ तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से करनाल ट्रैफिक पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। करनाल के रेलवे रोड निरंकारी भवन चौक से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस प्रकार से तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है। ये देखिए कई लोग जो है अभी भी मास्क लगाकर या सर पर हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं, ऐसा उचित नहीं है। और आप सिर पर हेलमेट और मास्क अवश्य डालकर चले, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका चालान कर दिया जाएगा। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रही हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। करनाल ट्रैफिक पुलिस का जो चेकिंग अभियान है निरंतर जारी है। पिछले काफ़ी दिनों से ये जो चेकिंग अभियान है देखा जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार से जो लोग बिना मास्क और हेलमेट के घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, उनके वाहनों को चेक किया जा रहा है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। अगर दस्तावेज पूरे नहीं होंगे तो फिर आपकी गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा। गाड़ी को मॉडिफाई मत करवाएं। लगातार करनाल ट्रैफिक पुलिस की जो मौजूदगी है हर चौक चौराहों पर इसी तरीके से देखने को मिल रही है। सिर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क जरूर लगा होना चाहिए। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर करें। मानते हैं कि जो चेहरे पर मास्क जरूर लगा होना चाहिए। जी जी सर, मास्क लगना चाहिए, लगा होना चाहिए। सिर पर हेलमेट भी होना चाहिए। जी हेलमेट होना चाहिए सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? बस सर गलती है मेरी सर, कट गया मेरा चालान सर, क्या आगे से सर सावधान रहेंगे? तो ये देखिए किस प्रकार से आगे से सावधान रहेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं उन लोगों को रोका जा रहा है जिन लोगों ने सिर पर हेलमेट या फिर चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल ज़िले के रेलवे रोड की, जहां पर इस वीडियो को बनाने का और दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा आपको यही रहता है कि आपका नुकसान ना हो। जब भी आप घरों से बाहर निकले तो आपके दो पहिया वाहन के दस्तावेज़ पूरे होने चाहिए, आपके सिर पर हेलमेट होना चाहिए, चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। अगर आप विशेष बातों का ध्यान नहीं रखती हैं तो फिर एक भारी चालान आपका अवश्य हो सकता है, नुकसान अवश्य हो सकता है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए ये देखिए बुलेट मोटरसाइकिल है और पीछे नंबर ना होने की वजह से फ़िलहाल इस गाड़ी को यहाँ पर रोक लिया है। और ट्रिपिंग थी, तीन लोग ये बैठे हुए थे, चेहरे पर मास्क नहीं था, सिर पर हेलमेट नहीं था। तो ये तमाम बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसी तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो फिर आपका चालान कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो पीछे नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ बुलेट मोटरसाइकिल है, तीन लोग जो है इस बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार थे, रोका गया। और ये देखिए लगातार करनाल ट्रैफिक पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रही हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुँचाई जा सके। ये देखिए किस प्रकार से जो लोग बिना मास्क और बिना हेलमेट के वाहन को लेकर निकलते हैं उनको यहाँ पर फिलहाल रोकने का
प्रयास किया जा रहा है। तो निवेदन हमारा सभी से बार बार यही रहता है कि जब आप अपने दो पहिया वाहन को लेकर निकलते हैं तो आपके सिर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क जरूर लगा होना चाहिए। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचाई जा सके। और हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जब भी दो पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपका चलान हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपडेट आपको देते रहेंगे। देखो, जनता से रोजाना हम आप लोगों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप घर से निकलें, बाइक या गाड़ी आप में सवार होकर घर से निकलें, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, अगर टू व्हीलर है तो उस पर हेलमेट साथ में अवश्य लें, अन्यथा चलान बहुत भारी भरकम चलान होते हैं। खासकर तीन ना बिठाएं, और साइलेंसर कई बच्चे खोल के चलते हैं तो साइलेंसर का बड़ा फाइन है, 10,000 रुपये फाइन है। तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। सभी अभिभावकों से यही अनुरोध है कि वे जब भी आपके बच्चे घर से बाइक उठाते हैं तो उनका ध्यान अवश्य करें, वे डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट इन्होंने साथ लिए हैं या नहीं। सर, पुलिस कर्मचारियों पर अभी आरोप लगाया है कि दो लोगों को छोड़ दिया गया है। देखिए, हम सभी को छोड़ दें तो भी लोग ये कहेंगे जिसका चलान हो जाता है वो आरोप लगाएगा ही लगाएगा। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो नजायज़ चलान करना भी उचित नहीं है, और ना ही हमारा ये आत्मा मानती है हम किसी का नजायज़ चलान करें। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उसका चलान तो अवश्य है। जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटी मोटी अगर कोई बाई चांस से मान लो पोल्यूशन ख़त्म हो गया है, एक दो दिन हुए ख़त्म हुआ है, तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता पोल्यूशन का, क्योंकि चलान बहुत हैवी है। अब वो जो एक आदमी छोड़ा है, मैंने उसके खुद डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, उसका परसों की डेट में पोल्यूशन ख़त्म हुआ है। वो सॉरी फील करके सर मैं आज ही पोल्यूशन करा लूँगा, तो कोई औचित्य नहीं बनता भाई मैं एक दिन की गलती पर ही उसका 10,000 रुपये फाइन लगा दूँ।